सारे लोग ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मैं दोबारा बोल देता हूँ, इस बैच में आप लोग कंटिन्यू रहें, जिसको किसी कंसेप्ट में दिक्कत हो तो TTS में ही 8 बजे रात में इसी मीटिंग आईडी पर आप शुरू से क्लास कर सकते हैं। आज नॉर्मेलिटी हो रहा है तो जिसका भी छूटा हुआ हो उसी में कर लीजिएगा, लेकिन अपने बैच को मत छोड़िएगा, ये सबसे रिक्वेस्ट है। ए फैजान अमानुल, आपस में बात नहीं करें प्लीज, सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। चलो रॉस लॉ का नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ते हैं। चलो एक दफा रिवीजन कर लेते हैं। जब दोनों बोले टाइल होगा तो PA इज इक्वल टू PA नॉट XA एंड PB इज इक्वल टू PB नॉट XB करेंगे, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB होगा, कि सारे लोगों को याद हो जाए। अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा तो PS का फॉर्मूला सिर्फ वोलेटाइल से होगा PA नॉट XA, और इसी को सॉल्व करके आएगा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये दो चीज हुई, इस दोनों पर हम लोगों ने न्यूमेरिकल किया। तीसरा टाइप का न्यूमेरिकल ये होगा कि अगर मॉलिकुलर वेट या मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कहे तो उसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, PA नॉट माइनस PS बाई PA नॉट इज इक्वल टू NB बाई NA, या नहीं तो PA नॉट माइनस PS बाई PS इज इक्वल टू N बाई NA। सारे लोग बताओ क्या यहां तक कर चुके थे? सारे लोग बताओ यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है? जिसको दिक्कत है TTS में पढ़िए, अपने बैच में भी आइए और TTS में पढ़िए। मेरा काम है आपको PhD करवाना। थैंक यू, बहुत बेहतर बहुत बेहतर। अब आइए, अच्छा ग्राफ हम लोग आपको समझाए थे, ग्राफ बताया था, गौर से सुनिए। अगर किसी कंपोनेंट का ग्राफ होगा तो वो क्या, XA बढ़ रहा है तो यहाँ XA0 XA1 कंपोनेंट का होगा तो ओरिजिन से पास होगा और ये PA नॉट होगा। हाँ वेरी गुड। और अगर PS होगा, PS का मतलब, हाँ सारे लोग सुनिए, PS का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। XA बढ़ रहा है, XA0 XB1, तो यहाँ PB नॉट होगा, यहाँ XA1 और XB0, PB नॉट होगा, तो ये स्ट्रेट लाइन PS, ये मैंने बताया था। तीसरा ग्राफ बताया था कि PS है, XA है, बढ़ रहा है, XA1 XA0 XB1 XA1 XB0 PB नॉट PA नॉट स्ट्रेट लाइन ओरिजिन ओरिजिन। अब ये PS हो गया, ये PA हो गया, ये PB हो गया। सच सच बताओ ये ग्राफ सबको समझ में आया था? ये ग्राफ सबको समझ में आ गया था? जल्दी बोलो बाबू लोग। बहुत बेहतर बहुत बहुत। जो लोग भी इसमें नए स्टूडेंट हैं, पहली क्लास कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है वो आज ही के दिन 8 बजे रात में भी ज्वाइन कर लें, इसी मीटिंग आईडी पर 691 जिस पर आप हैं। अब आइए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डालिए मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। टॉपिक डालिए रॉल्स लॉ की मदद से, दूसरा कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। आज 8 बजे रात में भी मेरी क्लास है, इसी चैप्टर की नॉर्मेलिटी हो रहा है। जो शुरू के स्टूडेंट हैं वो उसमें भी ज्वाइन कर लें, बैकअप लें तो और अच्छे से आएगा। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, आप अब 2 मिनट रुक जाइएगा, फिर मैं डाउट पूछूंगा, प्लीज बीच में कोई SMS ना करे, सारे लोग समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉल्स लॉ में क्या क्या न्यूमेरिकल आएगा, उसमें से एक न्यूमेरिकल ये भी आएगा। अब आप दो नजरिए से पढ़िए, XA और XB, ये भी मोल फ्रैक्शन था, ये लिक्विड फेज में, आपको कह रहा मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में निकालिए, दोनों अलग अलग है। ये मोल फ्रैक्शन तो है लिक्विड फेज में है, तो प्लीज अभी शांति बनाए रखिए, जब मैं फॉर्मूला ड्राइव करूंगा मैं तब से डाउट पूछूंगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये कंटेनर है आपके पास,
आपके पास इसमें लिक्विड है ए और बी, तो यहां जो होगा एक्स ए और एक्स बी, इसको क्या कहेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड से। आपने कहा जब ये वेपर बनेगा, ये वेपर बना तो गौर से सुनिए, अच्छे से सारे लोग सुनिएगा, जब लिक्विड वेपर आए, ये वेपर बना आपका, वेपर का मतलब हुआ गैस से, तो जब लिक्विड वेपराइज होता है तो याद रखिए, गौर से सुनिएगा, बाद में लिख लीजिएगा अभी नहीं, ड्यूरिंग वेपराइजेशन मोल फ्रैक्शन विल चेंज। मान लीजिए हम लोगों ने तो यहां तक निकाल लिया कि बताओ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, अगर आपसे ये जो वेपर है इसमें पूछेगा मोल फ्रैक्शन, तो इसको वाई ए और वाई बी, आपके ऊपर है एक्स ए डैश या एक्स बी डैश ले लीजिए, तो ये याद रखिएगा मोल फ्रैक्शन इन वेपर, याद रखिए। तो जब लिक्विड से वेपराइज होगा तो ऑब्वियसली मोल फ्रैक्शन चेंज होगा, जो कैसे मैं ध्यान बताता हूं क्यों चेंज होगा, गौर से सुनिए। मान लीजिए ए और बी है, प्लीज सारे लोग देखिएगा, दोनों वोलेटाइल है, ए मोर वोलेटाइल है, मोर वोलेटाइल है, और बी जो है वो लेस वोलेटाइल है, तो बताइए सारे लोग लिख के बताइए वेपर फेज में कौन ज्यादा जाएगा, ए की बी, जल्दी बोलिए, तो मैसेज कीजिए वेपर फेज में ए ज्यादा होगा कि बी, ए अल्लाह जल्दी बोलिए, ए, वेरी गुड, बहुत बेहतर बहुत बेहतर बहुत बेहतर, ठोको ताली, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसलिए तो जब ए का वेपर फेज में अमाउंट ज्यादा है उसका मोल फ्रैक्शन भी होगा, दोनों का मोल फ्रैक्शन यहां भी अलग अलग होगा, या तो याद रखिए जब वेपराइजेशन होता है तो मोल फ्रैक्शन चेंज हो जाता है, तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन को वाई और वाई बी कहेंगे। बताइए क्या यहां तक क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए, यहां तक क्लियर है, तो हमें न्यूमेरिकल में यही कहेगा वाई ए और वाई बी निकाल, वाई ए और वाई बी, चलिए यहां तक लिखिए, यहां तक लिखिए, फिर मैं फॉर्मूला ड्राइव करता, यहां तक लिखिए, जिनका भी कुछ भी छूटा हुआ हो सारे लोग आज ही के दिन 8 बजे बैकअप ले लीजिए, पीएचडी कीजिए, खूब पढ़िए, सारे लोग से गुजारिश है जिसका कुछ भी छूटा हुआ हो, पहली क्लास है कुछ भी है, आप उसी में आइए, इसमें भी आते रहिए उसमें भी आते रहिए, ठीक है। तो रॉल्स नॉर्मेलिटी के बाद ये हेनरीज लॉ वगैरह सब शुरू होगा, तो जिसको करना है वो आ सकते हैं। चलिए लिख लिया सारे लोग, बताइए तो जल्दी से, हाँ लिख लिया। और एक बात और मैं बताना चाह रहा हूं, एक बात और, ऐसे सुनिए, लॉकडाउन की वजह से हर जगह परेशानी है, आप लोगों से गुजारिश है कि हम आपसे पूरी फीस नहीं मांग रहे हैं ना हाफ फीस मांग रहे हैं, आप प्लीज कोचिंग की तरफ से मैसेज गया होगा ग्रुप पर, या जिसको जो ग्रुप पे नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा करके फीस जमा कर दीजिए, अल्लाह सवाब देगा, सबका ख्याल रखिए, कोई अगर फीस नहीं भी दीजिएगा तो हम आपको खुदा की कसम नहीं निकालेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे, हम अपना नेक काम करेंगे, लेकिन आपसे भी गुजारिश है जब 1 महीना होने वाला है आपके बैच को, तो आप भी थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा कर दीजिए, पेटीएम का पूरा आपको ग्रुप पे डाल दिया गया है, समझा कि नहीं, और यकीन बना के पढ़िए, आपको सिलेबस टाइम पर खत्म होगा, ये मैंने सोचा मैं आपको बता दूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज एंड प्लीज थोड़ा थोड़ा करके पैसा देते रहिए, अगर आपके पास पैसे है तो दे दीजिए, पैसे की थोड़ी सी दिक्कत है टाइम ले लीजिए,
है थोड़ा थोड़ा बहुत करते हैं। चलिए यहां देखिए, अब आइए कैसे हम करेंगे। तो हम इसको दो पार्ट में बांटेंगे। प्लीज दो मिनट ध्यान दीजिएगा, एकदम दो मिनट, कोई मैसेज मत कीजिए। देखिए राउल्स लॉ ने क्या कहा, गौर से सुन, राउल्स लॉ ने क्या कहा। राउल्स लॉ लिक्विड मिक्सचर के लिए अप्लीकेबल है, तो पीए सारे लोग दो मिनट रुकिएगा। पीए नॉट एक्स से पीबी इज इक्वल टू पीबी नॉट एक्स, भी देखिए फॉर्मूला क्या आ रहा है, और पी टोटल जिसको पीएस कहते हैं, पीए नॉट एक्स से पीबी नॉट एक्स, राउल्स लॉ है आपके पास एक्स। अब जान दीजिए सारे लोग, यहां तो वेपर है मोल फ्रैक्शन में, इस मोल फ्रैक्शन वेपर पे, यहां तो राउल्स लॉ नहीं लगेगा, राउल्स लॉ तो लिक्विड मिक्सचर के लिए लगता है। तो आपने 11th में पढ़ा होगा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। प्लीज सारे लोग ध्यान दीजिए, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन्स लॉ कहां लगता है, गैसियस मिक्सचर्स के लिए, मैं लिख भी देता हूं, आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा होगा, दोबारा बता रहा हूं, लिक्विड में रॉल्स लॉ। अब यहां पर वेपर फेज में मान लीजिए कंटेनर है, अब इसमें गैस आ गया, देखिए दोबारा सुनिए, रॉल्स लॉ ने ये कहा वोलेटाइल लिक्विड, दोबारा सुनो, वोलेटाइल लिक्विड कितना प्रेशर एग्जर्ट करता उसके बारे में बताया, वोलेटाइल लिक्विड। अब ये तो वेपर बन गया, वेपर का मतलब गैस, गैस में कितना पार्शियल प्रेशर होगा वो हम डाल्टन्स लॉ, यहां जो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। तो यहां जो पीए होगा, पी टोटल मोल फ्रैक्शन को हम वाईए लिखेंगे, डाल्टन्स लॉ यहां लगेगा, गैसियस मिक्सचर्स में लगेगा। पीवी कितना होगा, पी टोटल इनटू वाईवी, ये 11th में देखा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, राउल्स लॉ क्या चीज को बताता है, तो राउल्स लॉ बताता है कोई भी वोलेटाइल लिक्विड, पॉइंट टू बी नोटेड, लिक्विड कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा, गैसियस मिक्सचर्स में कितना पार्शियल प्रेशर है वो डाल्टन्स लॉ बताएगा। अब डाल्टन्स लॉ में पार्शियल प्रेशर को हम मोल फ्रैक्शन तो कहते हैं, लेकिन यहां मोल फ्रैक्शन वेपर फेज वाला लेंगे, लिक्विड फेज वाला नहीं लेंगे। ताली बताओ ये दोनों क्लियर हुआ, तो ताली और जल्दी बताओ क्लियर हुआ कि नहीं दोनों का फॉर्मूला, जल्दी बोलो प्लीज। ए अल्लाह कितना लेट लग रहा है यार, जल्दी बताओ। वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सच सच बताओ पूरी तरह क्लियर हुआ, एक दफा और मैं बोल देता हूं, एक दफा और बोल देता हूं। देखो एक है बुकिश वर्ड को याद कर लेना, प्लीज सुनो एक मिनट, कि राउल्स लॉ का स्टेटमेंट आपको याद रखना, लेकिन कोई पूछे राउल्स लॉ क्या बताना चाहता है, तो आप करिए, राउल्स लॉ ये बताना चाहता है कि किसी भी सॉल्यूशन में वोलेटाइल लिक्विड कितना वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा, वोलेटाइल लिक्विड। गैसियस मिक्सचर्स में डाल्टन्स लॉ लगेगा, वोलेटाइल लिक्विड में राउल्स लॉ लगेगा। दोबारा आई रिपीट, एनडीटीवी रमेश कुमार, वोलेटाइल लिक्विड कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा, राउल्स लॉ। गैसियस मिक्सचर में कितना प्रेशर लगेगा, डाल्टन्स लॉ। तो डाल्टन्स लॉ का फॉर्मूला ये पी है, पी टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन, तो वहां मोल फ्रैक्शन को हम एक्स ए नहीं लिखेंगे, वाई ए लिखेंगे, क्योंकि एक्स ए लिख देंगे तो दोनों सेम हो जाएगा। बताइए अब हम आगे बढ़ते हैं, मुझे उम्मीद है सबको आया होगा। अब ध्यान दीजिए, PA is equal to this, PA is equal to this, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, रॉल्स लॉ डाल्टन्स लॉ को मिक्स कर दीजिए, तो PA not x is equal to P total into y A,
तो वाई ए इज इक्वल टू आ गया पी ए नॉट एक्स ए बाई पी टोटल. व्हाट डज मीन बाय द पी टोटल, तो वाई ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए बाई पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी. दिस इज द वाई ए. वाई ए का फॉर्मूला ये आपको हो गया. सिमिलरली वाई बी इज इक्वल टू क्या होगा, तो देखो पी बी नॉट एक्स बी बाई पी टोटल. तो हम पी टोटल को अगेन लिख सकते हैं पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी. सच सच बोलो समझ में आया कि नहीं आया, दोनों पी ए इज इक्वल टू दिस पी ए इज इक्वल टू दिस. दोनों जो पार्शियल प्रेशर है अल्लाह के वक्तर दोनों को इक्वेट किया वाई ए ने. जब भी न्यूमेरिकल में कहे मोर प्रोडक्शन वेपर फेस का निकालो, तुम समझ जाना कि वाई ए कह रहा है, वाई ए कह रहा है, वाई बी कह रहा है. इसलिए याद रखो मैं न्यूमेरिकल को टॉपिक के फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ कि जिस बच्चे को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो टॉपिक को पहले कि मोल फ्रैक्शन वेपर फेस में कैसे निकालते हैं. चलो बताओ छोको ताली ताली बजाते रहो, अब बोलते रहो समझ में आया कि नहीं. ठोको ताली जोर जोर से खोलो ठोको यार, आवाज नहीं आ रही है. माशाल्लाह माशाह, ऐसे ही हाथ की तस्वीर माशाल्लाह, ये ही ना बात, ये ही बात ऐसे. हाँ वाह वाह अली भाई बहुत अच्छे. अरे शेख माज तुम्हारा जो छूट गया है तो टीसीएस में ही 8 बजे आ जाना, रेगुलर रहना. तुम शेख हो ना, सऊदीया से आए हो ना, तुम्हारी फिक्र है. कुछ तो बोलो शेख मान, कुछ तो बात करो मुझसे. वाह ऐशा खानम वाह, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. चलिए अब हम इस पर दो नुमेरिकल कराते हैं, आगे बढ़ते हैं. माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे. अरे शेख मास कुछ तो बोलो, कैसे हो शेख मास. चलिए आगे बढ़े, लिख लिया आप लोगों ने आगे. चलिए तो जिस नुमेरिकल में मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, हाय मेरा हाथ दिख रहा है सबको, चाचा हाय दिखा कि नहीं, अरे बोलो ना. हाँ माशाल्लाह देखो 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 वेरी गुड वेरी गुड. हाँ अब आइए सारे लोग ध्यान दीजिए. हाँ चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर वन सारे लोग प्लीज लिखिए. इफ द सॉल्यूशन कंटेन टू मोल ऑफ ए एंड 3 मोल ऑफ बी, ठीक है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज इफ पी ए नॉट इज इक्वल टू 150 and PB is equal to 200 tor. मुझे उम्मीद है कि आप लोग बनाएंगे. ऑप्शन मैं दे दूंगा, पहले तुम लोग बना के दिखाओ.
ए ऑप्शन 2/3, 1/3, बी ऑप्शन 1/3, 2/3, सी ऑप्शन 1/4, 3/4, डी ऑप्शन 3/4, 1/4। चलो जल्दी 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 जल्दी, वाह वाह वाह, वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, जल्दी निकाल के दिखाएं। ए ऑप्शन फहद काज या फहद खान, हबीबुर रहमान, लद्दाखी बुआई कौन है भाई, माशाल्लाह। सब लोग बनाओ, प्लीज एंड प्लीज, सब लोग गुरु दक्षिणा फीस भी जमा करते रहो, सबसे गुजारिश है फीस भी जमा करते रहना तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, अली अली, चलिए हम निकाल के दिखाते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, देखिए सारे लोग देखिए, हाँ आप सुनिए अच्छे से। मेथड फर्स्ट, स्कूल के एग्जाम में अगर रहे और विदाउट ऑप्शन रहे, कोई ऑप्शन नहीं रहे, तो हम कैसे करेंगे? तो पहला काम पी टोटल निकाल लेंगे, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। एक्स ए क्या है, तो एन ए बाई एन ए प्लस एन बी 2/5, एक्स बी क्या है 3/5, टोटल उसके मोल को टोटल मोल से डिवाइड कर। अब आपके पास जो है वो ये है, एक मिनट, हाँ आप देखो, हाँ लाइट चली गई यार। अब यहाँ देखो, तो P टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट कितना है 150 2/5 प्लस ये कितना है 200 इंटू 3/5, तो P टोटल इज इक्वल टू 60 प्लस 40 120 180 आ गया, P टोटल 180 आ गया। अब आपके पास यहां तक तो हो गया भाई, बहुत आसान था। अब आपके पास मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस कह रहा है, तो वाई ए इज इक्वल टू फॉर्मूला है पी ए नॉट एक्स ए बाय पी टोटल, तो पी ए नॉट 150 2/5 बाय 180, 5 × 15, 60 × 180, तो 1/3, 1/3, तो 1/3 हो गया। तो बताओ एक पहला और बाय, जब 1/3 ये है तो 1 डायरेक्ट कर दो 2/3, तो बताओ कौन सा ऑप्शन था, ये ए था कि बी था, बताओ रेस्पेक्टिवली 1/3 2/3 ये आंसर रहेगा, कौन सा आंसर सही है, बी, हाँ चलो ठीक 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 ठीक। बताओ कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना समझ में आया हो, एहसान एहसान तुम्हारी फिक्र है मुझे, न्यूमेरिकल तुमसे होना चाहिए, सबको आ गया सबको आ गया, माशाल्लाह माशाल्लाह, चलो 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 चलो। आप देखो एक बात सुनो, अगर तुम चाहते हो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि अब ट्वेल्थ बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, ये लिख लिए सारे लोग लिख लिए, तो देखो अगर तुम चाहते हो कि हम इससे कम टाइम में करें, हाँ तो देखो ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो तुम क्या करो, देखो मैं तुमको मेथड सिकंड सिखाता हूं, तुम पी टोटल मत निकालो, पी टोटल मत निकालो, तुम क्या करो वाई ए और वाई बी का रेशियो निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, सारे लोग सुनो अच्छे से, पी ए नॉट एक्स ए बाई पी बी नॉट एक्स बी, पी टोटल ऊपर नीचे कैंसिल, तो पी ए नॉट 150 है 2/5 है 200 है 3/5, तो वाई ए बाई वाई बी हो गया आपके पास 2 × 150, 3 × 200 कैंसिल, तो 5 × 15, 5 × 4 = 20, तो 3 कैंसिल 1/2 आ गया, बताओ अब तुमको कैसे करना, देखो
बाई ए इज इक्वल टू क्या होगा, देखो कैसे करोगे, ऊपर कितना, बाई ए के ऊपर वन, और दोनों को जोड़ दो थ्री, मानो मारो ताली, ठोको ताली, बाई बी के सामने दो और फिर टोटल कर दो, अल्लाह अकबर, की टोटल से बच जाओगे, दिस इज शॉर्टकट। बोलो बोलो जल्दी बोलो, ठोको ताली, दूसरे मेथड से भी पढ़ लो, ए अल्लाह बोलो भाई, बाप रे बाप, तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो यार, बाबा तो करते रहो, टीचर को एनर्जी ना मिलती है इसको, वाह वाह वाह, देखो मेरी मैथ देखो कितनी जबरदस्त मैथ है, अल्लाह अल्लाह, अली भाई मेरी मैथ समझ में आई मेरी मैथ, अरे वाह वाह, क्लियर क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। तो आप ये अगर स्कूल के एग्जाम में भी अगर ऑब्जेक्टिव है, हाँ हाँ दोनों से कर, देखो मैं वही बता रहा था, अगर स्कूल के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में कैसे करना वो नहीं देखा जाता है, जैसे कीजिए, हाँ अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है तो आप ये वाला मेथड से पूरा कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव है तो इस तरह कर लीजिए। अच्छा चलो दोबारा बता देते हैं, बाई ए और बाई बी का रेशियो ले लो, बाई ए और बाई बी का जब रेशियो लोगे ना तो पी टोटल कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हो सकता है ना समझ में आए, हाँ यहाँ से हो सकता है ना समझ में आए, तो बाई ए और बाई बी सॉल्व करके वन बाई टू आया, तो देखो बाई ए क्या लिखोगे, वन जो सामने है वन, अब फिर दोनों को ऐड कर दो थ्री, बाई बी के सामने टू, फिर दोनों को ऐड कर दो थ्री, जिन्होंने कहा था रिपीट करने के लिए, ये तो आ ही गया होगा ना, ये तो वैल्यू पुट करके निकाल लो, हमको लगता है यहाँ से ये नहीं समझ में आ रहा होगा, तो बाई ए वन 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 टू थ्री से डिवाइड कर दो, बाई बी कितना टू थ्री से डिवाइड कर दो, देखो मैं समझा दिया रिपीट कर दिया, अब नहीं समझाऊंगा मैं, जुबान दर्द हो गया, रोजा लग रहा है मुझे, इतना जोर जोर से चिल्ला रहा हूं मैं। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन इस पर फिर आगे बढ़ेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम ग्राफ पर आएंगे, लिखो द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 टॉर एंड 700 टॉर, 700 टॉर, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज इफ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल क्या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 600 टॉर। चलो पहले बनाओ सारे लोग, इसको सतर्क होके बनाना, ध्यान देना, हाँ शेख मार घबराओगे नहीं, मारा जो भी छूटा हुआ है तुम दूसरी दफा पढ़ लेना प्लीज, सारे लोगों से गुजारिश है, जिसका जो छूटा हुआ है पीटीएस में ही 8 बजे इसी मीटिंग आईडी पर, हाँ वेरी गुड, सारे लोग बना के देखाओ, मैं तुमको ऑप्शन देता हूँ, या विदाउट ऑप्शन भी रहे तुम लोग बना के दिखा दो, हर क्वेश्चन में कितना ऑप्शन लोगे यार, Thank you.
2 by 5, 3 by 5, B 3 by 5, 2 by 5, C 3 by, आपको 10 आएगा, 3 by 10, 7 by 10, D 7 by 10, 3 by 10. चलो ऑप्शन बताओ, ऑप्शन 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 ऑप्शन. हाँ हबीबुर रहमान, गलत आंसर है तुम्हारा. एक स्क्वायर. हाँ सी 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 इज द करेक्ट आंसर. सी इज द करेक्ट आंसर. माशाल्लाह माशाल्लाह अली अली, वेरी गुड. अब तो आंसर सी ला ही दिया, तब सबका सी आ गया. माशाल्लाह, वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बेहतर बहुत बेहतर. अब सुनो कैसे, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो तुम फार्मूला लिखो, y इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए बाई पी टोटल. तो देखो इस न्यूमेरिकल में खास बात यह है कि एक्सए नहीं दिया हुआ है, तो पहला काम एक्सए निकालेंगे और एक्सबी निकालेंगे. जब भी ना बने पहले फॉर्मूला लिखो. अब एक्सए एक्सबी नहीं दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, पीएस इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्सए पी बी नॉट एक्सबी. पीएस कितना है, 600. और या पहले सुनो, पीएस पी ए नॉट, या चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, 600, 450 एक्स ए, 700 एक्स बी को लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स ए. गलत आंसर, 600 450 एक्स ए प्लस 700 माइनस 700 एक्स, 250 एक्स ए इज इक्वल टू 100, एक्स ए इज इक्वल टू 100 बाई 250. तो 5 गुना, ये तो आया है 2 by 5 और एक्स बी इज इक्वल टू 3 by 5. अब आपको वाई ए निकालना है, तो पी ए नॉट एक्स ए बाई पी टोटल. स्कूल के एग्जाम में विदाउट ऑप्शन रहे तो आप पूरा करके दिखाइएगा, विदाउट ऑप्शन रहे तो आप बाकी पी टोटल लिखने की जरूरत भी नहीं है. लेकिन चलो मैं डिटेल में बता देता हूँ. 450 एक्स ए की वैल्यू 2 by 5 by 600, तो 450 × 2 by 5 × 600, तो 10 से कैंसिल, 5 9 45, समझा कि नहीं. 3 3 9, 320, 2 से 10, 3 by 10. तो जब वाई भी 3 by 10 है तो वाई टू कितना जाएगा, 1 माइनस 3 by 10, 7 by 10. तो आपको आंसर आएगा सी, 3 by 10, ये आंसर आएगा. बोलो सबको समझ में आया कि इस न्यूमेरिकल में खास बात क्या था, कि एक्स ए नहीं दिया हुआ था. हाँ यस सामियार, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन का 1 होता है. सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन 1. अगर एक का 0.1 है तो दूसरे का डायरेक्ट निकाल लीजिए 0.9. बोलिए ये बात सबको मालूम होनी चाहिए प्लीज, कि एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन 1 होता है. बोलिए क्लियर है यहां तक सबको, ये न्यूमेरिकल सबको समझ में आ गया. चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं. चलिए अच्छी बात अच्छी बात अच्छी बात, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. चलिए एक ग्राफ बनाते हैं, सारे लोग ध्यान दें. चलिए ग्राफ को ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हम आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन शुरू करेंगे. अब देखो तुम लोग नेक्स्ट क्लास मत छोड़ोगे, सारी ऐसे तो हर क्लास इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास पूरी थ्योरी है. आइडियल के एग्जाम्पल को कैसे याद करेंगे, नॉन आइडियल के एग्जाम्पल को, सारे लोग रट रट के एग्जाम्पल को पढ़ते हैं, तो इसलिए क्लास को छोड़ोगे मत. रॉल्स लॉ को खूब पढ़ो, रॉल्स लॉ को. चलो अब सुनो अच्छे से, एक नहीं
बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं, सारे लोग ध्यान देना। ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब पीएस यानी पी टोटल वर्सेस मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन, देखो अब तक जो ड्रॉ किया था ग्राफ वो एक्स ए और एक्स बी था, एक नई चीज आपको मालूम होगी। अब तुम लोग 5 मिनट एकदम शांति से बैठो और समझो कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन का ग्राफ है लेकिन वेपर से। तो देखो वाई ए इज इक्वल टू, अभी तुम लोग पढ़े पी ए नॉट एक्स ए बाई पी टोटल, वाई बी पढ़े पी बी नॉट एक्स बी बाई पी टोटल। इसी को रीअरेंज जब करोगे तो मैं इसको ऐसे भी लिख देता हूं, 1 by P total is equal to YA by PA naught plus YB by PA naught, PB naught। देखो कैसे, गौर से सुनो कैसे, ध्यान देना। वो ये है, कुछ सोचो मैं तुम्हें बताता हूं, लिखना मत। वाई ए प्लस पी ए नॉट, अब वाई बी पी बी नॉट की वैल्यू मैं प्रूव करता हूँ। वाई ए सेकंड टू क्या है, पी ए नॉट एक्स ए बाई पी टोटल इंटू पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट एक्स बी बाई पी टोटल इंटू पी बी नॉट। देखो पी बी नॉट कैंसिल, पी ए नॉट कैंसिल, क्या आया एक्स ए बाई पी टोटल प्लस एक्स बी बाई पी टोटल। तो एक्स ए प्लस एक्स बी बाई पी टोटल इज इक्वल टू एक्स ए और एक्स बी क्या होता है वन बाय। तो देखो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो गया, बोलो तो इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये याद रखना है वन बाय पी टोटल। बोलो तीसरा वाला जो फॉर्मूला मैंने लिखा वो समझ में आया, जल्दी बोलो ये वाला आया वन बाय पी टोटल बाई ए बाई पी ए नॉट प्लस बाई बी बाई पी बी नॉट। अरे बोलो यार जल्दी बोलो, जल्दी बोलो जल्दी। चलिए अच्छी बात, अब सुनो, अब ध्यान देना ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। प्लीज सारे लोग देखो, कोई भी तुमसे पूछे प्लीज सारे लोग ध्यान दो। वन बाई पी टोटल इज इक्वल टू वाई ए बाई पी ए नॉट प्लस वाई बी बाई पी बी नॉट। अब ध्यान देना प्लीज, ये आपके पास है पीएस मतलब पी टोटल है, 2 मिनट ध्यान दो, मोल फ्रैक्शन है, लेकिन अब हम वाई ए ले रहे हैं, वाई ए इज द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। अब तक जो पढ़ा था वो लिक्विड फेज था, तो जब वाई ए बढ़ रहा है तो यहाँ वाई ए क्या होगा 0, तो वाई बी 1, वाई ए 1 उसी तरह वाई बी 0, चूंकि यहाँ वाई बी 1 है तो पी बी नॉट, यहाँ वाई ए 1 है पी ए नॉट। और हमने कहा था ना दोनों की हाइट सेम पॉइंट पे नहीं होगी, समझा, क्योंकि बोली तरीके नहीं पड़ा पता है। यहाँ तक अभी कुछ ड्रॉ मत करना, यहाँ तक सबको समझ में आया, बोलो हाँ या ना, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ बहुत बेहतर बहुत बेहतर। सब लोग एकदम अच्छे से देखोगे, अच्छे से उधर उधर ध्यान नहीं दोगे। अब सुनो, चलो सुनो अच्छे से सुनो, देखो वाई ए और पी टोटल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, देखो वाई ए और पी टोटल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि डायरेक्टली, जल्दी बताओ। हम लोग जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं पी टी वर्सेज वाई ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इनडायरेक्टली, इनवर्सली, इनवर्सली, सारे लोग ध्यान दें इनवर्सली। वाह, अब सुनो
जब कोई इनवर्सली ग्राफ होता है ना, तो सुनो इसको, इसका ग्राफ कर्व लाइन होता है, कर्व लाइन। अब याद रखो, गौर से सुनो, गौर से। मैं यहां पर एक पॉइंट, अभी लिखना मत, अभी लिखना मत, याद रखना। वे कोई भी अब तुमसे पूछे, गौर से सुनो, कोई भी तुमसे पूछे कि वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन, सुनो दो मिनट, वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ क्या होता है, मोस्टली स्टूडेंट कहता है ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। नहीं, आप कहिए स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कर्व लाइन भी हो सकता है। अगर मोल फ्रैक्शन एक्स ए और एक्स बी होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये स्ट्रेट लाइन होगा, तो ये लिक्विड फेज वाला होगा। लेकिन हमें पूछ रहा है वेपर फेज वाला, दैट द रीजन कर्व लाइन होगा। सच सच बोलो, बोलो टोको ताली, समझ में आया? अरे बोलो भाई, समझ में आया? ओ अल्लाह, अली अली भाई, सब लोग बोलो, सब लोग बोलो, आया कि नहीं? वाह वाह, टोको ताली, टोको ताली, हाँ, वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। जल्दी से नोट कीजिए, मैं एक पॉइंट लिखा रहा हूं, एक और अच्छी बात मैं लिखाऊंगा इसमें। तो याद रखिए नोट, द ग्राफ ऑफ पी टोटल वर्सेस मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, मतलब एक्स ए या एक्स बी, इज ए स्ट्रेट लाइन। पहली बात, बट ग्राफ ऑफ पी टोटल वर्सेस मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, इन वेपर फेज वाई ए या वाई बी इज कर्व इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठोको ताली। देखो मैं पूरा पॉइंट अच्छे से लिखा दिया, सबको दिख रहा है क्या? पहला पॉइंट है द ग्राफ ऑफ मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज इज स्ट्रेट लाइन। अच्छा, थोड़ा सा उस पर लाइट पड़ रही होगी शायद, हाँ कोई बात नहीं, मैं इधर लिख देता हूं, मैं इधर ये ग्राफ तुम लोग ड्रॉ कर लिया, मैं इधर लिख देता हूं। अच्छा, नोट का पहला पॉइंट तुम लोग लिखो, नोट का पहला पॉइंट एक दफा बोल दो, नोट का पहला पॉइंट लिखे, मैं बोल देता हूं, देखो मैं बोल देता हूं, मैं एक दफा रिपीट कर देता हूं, चलो चलो एक दफा रिपीट कर देता हूं। द ग्राफ ऑफ, पहला पॉइंट, द ग्राफ ऑफ पी टोटल वर्सेस मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, लिक्विड फेज में आपने लिखा है एक्स ए एंड एक्स बी, एक्स ए एंड एक्स बी इज ए स्ट्रेट लाइन, इज ए स्ट्रेट लाइन, देख लिए आज तक? बट सेकंड पॉइंट है, बट द ग्राफ ऑफ पी टोटल वर्सेस मोल फ्रैक्शन, बट द ग्राफ ऑफ पी टोटल वर्सेस मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, इन वेपर फेज, और ब्रैकेट में लिख लो वाई ए ऑब्लिक वाई बी इज कर्व, कर्व पर, कर्व पर डार्क लाइन लगा दो, इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन। बोलो आया कि नहीं आया? ये
बोलो बाबू आया कि नहीं आया यार। हाँ वेरी गुड। अच्छा ये, हाँ ये वाला अगर, हाँ इतनी दफा अच्छे से पढ़ लो और ये नई नॉलेज याद रख लो कि मोल फ्रैक्शन सी टोटल, मैंने तो ये पॉइंट अच्छे से लिखा दिया है, पढ़ लेना अच्छे से। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पर आओ, नेक्स्ट टॉपिक पर। लिखो टाइप्स ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, ये दो तरह का होता है। आइडियल सॉल्यूशन, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, रियल सॉल्यूशन। जल्दी लिखो, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन दो तरह का होता है, आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा है नॉन आइडियल। लिख लिए सारे लोग? अच्छी बात। तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन दो तरह का, टॉपिक डालो आइडियल सॉल्यूशन, टॉपिंग डालो आइडियल सोल्यूशन। चलो सारे लोग, दो पांच, हाँ सारे लोग सुनो, प्लीज सारे लोग ध्यान देना, एकदम ध्यान पूर्वक 5 मिनट सुनो, उसके बाद छुट्टी, नेक्स्ट क्लास मत छोड़ोगे, सुनो अच्छे से। जिस तरह स्टेट्स ऑफ मैटर 11th में एक टॉपिक था आइडियल गैस और एक था रियल गैस, आइडियल गैस, पहले एकदम सुनो अच्छे से, घबराओगे मत, एकदम अच्छे से सुनोगे, कोई मैसेज मत करना कोई भी। वहां ये पढ़े थे कि आइडियल गैस क्या होता है, जो गैस लॉस को फॉलो करे। गैस लॉस कौन कौन था? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब था। अब जो गैस लॉस को ओबे ना करे वो रियल गैस कहलाता है। सिमिलरली यहां आप पढ़ रहे हैं आइडियल सोल्यूशन, याद रखिए वो सोल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करे। प्लीज अब क्यों फॉलो करेगा वो हम डिस्कशन में बताएंगे, पहले डायरेक्टली समझो व्हाट इज द आइडियल सोल्यूशन, द सोल्यूशन विच ओबेज द राउल्स। इसीलिए कुछ न्यूमेरिकल जानबूझ के मैंने नहीं कराया आइडियल सोल्यूशन में, तो आइडियल सोल्यूशन में भी वही फॉर्मूला यूज होगा जो राउल्स लॉ का। अब तक न्यूमेरिकल में क्या था? फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, अब तुम्हें क्या देगा? फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सोल्यूशन, तो फॉर्मूला वही लगेगा, पी एस इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स प्लस पी बी नॉट एक्स। सर क्यों फॉलो करेगा, क्यों वो हम बताएंगे, तो पहले सुनिए व्हाट इज द आइडियल सोल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे। अब सुने 1 मिनट, 11th में जो भी मुझसे पढ़ रहे हैं दोबारा सुनिए। आइडियल गैस की डिफिनेशन इस तरह लिखाई गई थी, द गैस विच ओबेज द गैस लॉ, और आगे का लाइन क्या था? स्ट्रिक्टली एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। आप जो कहते हैं कि मैंने डिफिनेशन लिखा गलत टीचर कर दिया, उसकी वजह यही थी। हाँ एक कॉमन लैंग्वेज है जो गैस लॉस को फॉलो करे, लेकिन जब एग्जाम में आए या आपसे ऑब्जेक्टिव जो नहीं बनता है उसकी वजह यही है कि हम लोग पूरी तरह अच्छे से नहीं पढ़ते। वहां आपको लिखाया गया था द लॉ, द गैस विच ओबेज द गैस लॉ स्ट्रिक्टली एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसी तरह यहां पर बोलना है द सॉल्यूशन विच ओबेज द राउल्स लॉ ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, हर कंसंट्रेशन पर। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब समझाया जाएगा, सब्र करना है, पूरी डिटेल आपको पढ़ाई जाएगी। मैं एनडीटीवी रविश कुमार की रिपोर्ट है मेरी, तो कोई भी पूछे व्हाट इज द आइडियल सॉल्यूशन तो आपको लिखना है द सॉल्यूशन विच ओबेज द राउल्स लॉ। यहां तक बोलिएगा
चलिए समझ समझा जा सकता है, आपको पूरा अच्छे से लिखना है ओवर द इंटायर, इसका क्या मतलब है वो सब समझ में आएगा, इंटायर रेंज ऑफ टर्म्स, क्योंकि सारी बात एक साथ नहीं समझ में आती है, इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। तो आप यहां पर पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी, पी एस इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स, दिस इज द, तो याद रखो आइडियल, अब तक जितना भी न्यूमेरिकल किए आइडियल सॉल्यूशन का भी, अगर आइडियल सॉल्यूशन भी लगा दिया तो आपको यही न्यूमेरिकल आएगा, इसी पर क्वेश्चन आएगा। खोखो ताली आया समझ में, आकर जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, बोलो बाबू लोग, आया 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 कि नहीं आया, तो जो अब देखो इसमें बहुत सारी बातें, अभी तो बहुत अभी शुरुआत हुआ है, अभी बहुत बातें बतानी जरूर है, तो जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे, हाँ आपस में डिस्कशन कोई करे तो आप बोलिए जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट सुनो एक बार सुनो, आपको ऑब्जेक्टिव दे देगा, सुनो कैसे स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है ऑब्जेक्टिव में, कहेगा आइडियल सॉल्यूशन चार ऑप्शन, ओबेज द रॉल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन, दूसरा कहेगा ओबेज द रॉल्स लॉ एट हाई कंसंट्रेशन, तीसरा ओबेज द रॉल्स लॉ एट वेरी हाई कंसंट्रेशन, डी कहेगा लो एंड हाई दोनों। तो आपको जब तक आप सही से नहीं पढ़िएगा, सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ लीजिएगा रॉल्स लॉ को भी किया, रॉल्स लॉ को भी किया, तो आपको ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। तो इसलिए याद रखना है ओवर द इंटायर रेंज, कसम खुदा की मैं कह रहा हूं इस लाइन को मैं समझाऊंगा एग्जांपल देके इस लाइन का क्या मतलब है। चलिए अब आइए ध्यान दीजिएगा अच्छे से, तो यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, ओके लद्दाखी बॉय ओके, यहां तक क्लियर हुआ, ए अल्लाह कोई बोल ही नहीं रहा, चलिए चलिए, तो आज मेरी तकरीर खत्म हुई।